हाँ जी दोस्तों, ये है टाटा सफारी XZA+ टॉप मॉडल। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या मैंने इसमें मॉडिफिकेशन करवाई हैं, साथ ही इसमें मैंने कौन कौन सी एक्सेसरीज लगवाई हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसके टायर दिखाता हूँ। देखिए, टायर के जो अलॉय व्हील थे ये थे ग्रे कलर के, आप अंदर से देख सकते हैं। मैंने इनको बाहर से ब्लैक टेपिंग करवा दी है। कलर मैंने इसलिए नहीं करवाया क्योंकि बाई चांस कोई और कलर करवाना पड़ जाए, और साथ ही टेपिंग में भी कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। चारों टायर मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, काफ़ी अच्छे लुक आ रही है। टेपिंग का फ़ायदा ये भी है कि अगर बाय चांस थोड़ी बहुत कट फट जाए, सस्ती पड़ती है, अपना बार बार कितनी बार चाहे चेंज करवा सकते हैं। अगली चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, वो है इसकी छत। देखिए, जो इसका रूफ था वाइट कलर का था, वो मैंने सारा ब्लैक कलर का करवा दिया है। इसमें मैंने थोड़ी थोड़ी रेंज रोवर इवोक वाली लुक लाने की कोशिश की है। जो इसके पिलर्स वगैरह हैं सब मैंने ब्लैक कलर के करवा दिए। दूर से दिखाता हूँ, देखिए टायर से भी मैच कर रहे हैं। देखिए, कुछ ऐसी लुक आती है जो काफ़ी अच्छी लग रही है। वाइट कलर में थोड़ी अजीब सी लग रही थी, इसलिए मैंने ब्लैक टेपिंग करवा दी। देखिए, जो इसकी सनरूफ है वो कंपनी फिटेड ब्लैक कलर की है, और जो मैंने टेपिंग करवाई वो भी ब्लैक कलर की। देखिए, बिल्कुल मैच कर रही है, बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा। तो टेपिंग की जो मेरी टोटल कॉस्ट आई है वो आई है अप्रोक्सीमेटली 8,000। ये बैक का डिज़ाइन, ये कंपनी का कलर है, ये कहाँ टेपिंग नहीं है यहाँ पर। अच्छा, अगली जो चीज़ है वो है PPF लेमिनेशन। ये देखिए, दरवाज़ों के साइड में मैंने PPF लेमिनेशन करवाई है। इससे फ़ायदा ये है कि जब भी आप दरवाज़े खोलते हैं कहीं स्क्रैच लगने से बच जाती है। साथ ही साथ ये ट्रांसपेरेंट है तो इसका बिल्कुल भी पता नहीं चलता। देखिए, चारों खिड़कियों में मैंने ये PPF करवा दी है, बिल्कुल भी पता नहीं चलता। लाइट कलर की है, आप चाहे तो किसी और भी कलर की करवा सकते हैं। उसके साथ ही साथ देखिए, मैंने नीचे यहाँ काफ़ी बार हमारा पैर लगता रहता है, यहाँ भी मैंने PPF की टेपिंग करवा दी है। ये टेपिंग ब्लैक कलर में भी आती है, अगर आपको पसंद है ब्लैक करवाए या ट्रांसपेरेंट करवाए। देखिए, चारों खिड़कियों में ये भी मैंने नीचे की तरफ करवा दी है, क्योंकि यही काफ़ी टाइम हमारा पैर लगता रहता है। उसके बाद अंदर मैं आपको दिखाऊं, देखिए जो टच स्क्रीन है, जिसके बटन्स हैं, हर जगह मैंने ये PPF टेपिंग करवा दी है, क्योंकि अगर नहीं करवाते तो बहुत बुरी लगती है। कपड़ा से जब हम साफ़ करते हैं तो इतने स्क्रैच पड़ जाते हैं इस ब्लैक कलर पे, बहुत बुरी लगती है। तो देखिए, जहाँ भी ब्लैक कलर की ये फिनिशिंग थी, मैंने पहले से ही अगले दिन ही PPF टेपिंग करवा दी थी, ताकि कम से कम स्क्रैच लगे। तो टेपिंग की और PPF की मुझे टोटल कॉस्ट आई है 8,000। अगली जो चीज़ है वो है इसके ये सन शेड्स। ये मैंने ऑफिशियल कंपनी के शेड्स ख़रीदे हैं, टाटा सफारी के लिए हैं ये। इनकी कॉस्ट मुझे आई है 4,500 की। देखिए, शेड्स काफ़ी महंगे हैं, लेकिन इनका फ़ायदा भी काफ़ी है। देखिए, गाड़ी के शीशे काफ़ी बड़े हैं, जिसकी वजह से धूप काफ़ी अंदर आती है और गाड़ी बड़ी जल्दी गर्म हो जाती है खड़ी खड़ी। तो उसके लिए जो शेड्स हैं, देखिए अंदर से ट्रांसपेरेंट हैं लेकिन बाहर से बिल्कुल डार्क हैं, तो लाइट बहुत कम आती है अंदर, और गाड़ी का एसी है जो बड़ा अच्छा काम करता है। देखिए, और जो ये हैं, कटआउट होने की वजह से आपको पीछे देखने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। साइड के मिरर में से आपको पीछे वाले भी दिखा देता हूँ। देखिए, पीछे वाले कंप्लीट शीशे पर आए हुए हैं, मैग्नेटिक है, आराम से चिपक जाते हैं। देखिए, विजिबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाहर से धूप काफ़ी जो है कम आती है, और जो लॉन्ग हाईवे ट्रिप्स हैं उस पर एसी भी आपका बड़ा अच्छा काम करता है जब धूप का मौसम होता है। और एक बात का ध्यान रखिए कि इनको सिटी में ना लगाएं, सिटी में इनका चलाना है, आप सिर्फ हाईवे पर लगा सकते हैं। जो लास्ट एक्सेसरी है वो है इसके फुट रेस्ट। कंपनी ने इसका 4 क्विंटल तक का क्लेम बताया कि 4 क्विंटल तक का वज़न ये जो सह सकते हैं। मैं आपको खड़ा होकर दिखाता हूँ। देखिए, अभी तक इनमें कोई भी साउंड, क्रैकिंग साउंड या कोई भी लूज़ नहीं हुए हैं। दोनों तरफ के दिखा देता हूँ। इनकी कीमत जो है वो पड़ी है 18,000 रुपये, 18,000 रुपीज़। फुट रेस्ट की फिटिंग काफ़ी अच्छी आई है, बाहर बिल्कुल भी नहीं निकले हुए, मोड़ते टाइम आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो ये थी मेरी टाटा सफारी XZA+ की एक वीडियो, जिसमें मैंने बताया आपको इसकी मॉडिफिकेशंस।
और एसेसरीज़ के बारे में आप एक बार और देख सकते हैं। साइड लुक इसकी देखिए, मुझे तो काफ़ी पसंद आई है। अगर आपका कोई सजेशन हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं, कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछें। इस वीडियो को एक लाइक करें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं और भी सफारी के रिलेटेड वीडियो बनाने जा रहा हूँ। होप आपको पसंद आया। थैंक यू आपके कीमती समय के लिए। बाय बाय एंड टेक केयर।